दोस्तों, किसी ने मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की है, और किसने हैक करने की कोशिश की है, कैसे हैक करने की कोशिश की है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, जिससे कि आपका चैनल कभी भी हैक नहीं होगा। मतलब कि इस वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आपका चैनल कभी भी हैक नहीं होगा। अगर आपका चैनल कोई हैक करने की कोशिश करता है, तो आप लोग अपने चैनल पर कुछ ऐसी सेटिंग कर लेंगे, जिससे कि आपका चैनल कभी भी हैक नहीं होगा। और मेरे चैनल को किसने हैक करने की कोशिश की है, किस तरीके से हैक करने की कोशिश की है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये वाला ईमेल दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला ईमेल मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। यानी कि इस ईमेल से मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई भी मुझे स्पॉन्सरशिप दे सकता है, या फिर कोई भी मुझे यहाँ पर मेल कर सकता है। तो ये मेल मैंने अपने अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, तो जिससे लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा हुआ क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी दोस्तों, यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने जीमेल में, और इसी जीमेल आईडी को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि इसी जीमेल आईडी को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, इसी को लॉगिन किया हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे एक मेल आया हुआ है, मैं इसको ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। और ये मेल मेरे ख्याल से कल आया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ मैसेज भी लिखा हुआ है। जैसा कि अगर कोई भी आपका मेल अगर किसी दूसरे फ़ोन में, जैसा कि मान के चलिए आपका कोई जीमेल आईडी होता है, अगर आप लोग उसको अपने किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करते हो, तो आपके उस फ़ोन पे एक मतलब एक इस तरह का नोटिफिकेशन आता है कि आपने उस जीमेल आईडी को अपने दूसरे फ़ोन में लॉगिन किया है। तो वहाँ पर यस और नो करने का एक नोटिफिकेशन आता है। तो कुछ इस तरीके का मुझे एक नोटिफिकेशन आता है, इस तरीके का एक मेल आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, समवन जस्ट यूज्ड योर पासवर्ड टू ट्राई टू साइन इन टू योर अकाउंट। मतलब कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे देखिए चेक एक्टिविटी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो जैसे ही मैं चेक एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद अभी देखिए एक पेज ओपन होता है। जब ये पेज ओपन होता है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेन चीज़। अब दोस्तों, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, ये वाला जीमेल आईडी मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में सिर्फ कॉन्टैक्ट करने के लिए दिया हुआ है, और लोग ये सोचते हैं कि इसी जीमेल आईडी से मेरा जो मेन चैनल है, जिस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसने हैक करने की कोशिश की है, उसने ये सोचा कि यही जीमेल आईडी से मेरा मेन चैनल बना हुआ है, तो उसने ये सोचकर मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये किस फ़ोन में, किस डिवाइस में इसको लॉगिन करने की कोशिश करी गई है। जैसा कि मैंने इसको लॉगिन करने की कोशिश नहीं की है, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसको कहीं पर भी लॉगिन मतलब नहीं किया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस फ़ोन में राजस्थान इंडिया, मतलब कि राजस्थान में इसको लॉगिन करने की कोशिश करी गई है, और इस डिवाइस में इसको लॉगिन करने की कोशिश करी गई है। अगर मैं यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरा जीमेल आईडी जो है पूरा का पूरा हैक हो जाएगा। अगर इस जीमेल आईडी से मेरा चैनल होता, तो ये चैनल भी हैक हो जाता, और जो इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, उसके पास मतलब इसका पूरा एक्सेस चला जाता, यानी कि वो इसको हैक कर लेता। तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर दूँगा, नो सिक्योर अकाउंट पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है, मैं इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। यानी कि अभी मुझे इसका रिस्क है कि इसको कोई हैक कर सकता है, तो मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैक चलता हूँ, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको मतलब गूगल ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अब मैं मेन आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको गूगल ओपन कर लेना है, यानी कि गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और जिस जीमेल आईडी को लगता है कि आपका रिस्क है, इसको कोई हैक कर सकता है या फिर कुछ भी, या मान के चलिए कि आपका उस जीमेल आईडी से आपका चैनल बना हुआ है, तो आपको सिंपली करना क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल बना होता है, उस जीमेल आईडी को कहीं पर भी शो नहीं करना होता है आपको। कहीं पर भी आप उसे शो मत कीजिए, उसको कहीं पर भी किसी को भी मत शेयर कीजिए, उस जीमेल आईडी को कहीं पर भी किसी को भी मत दिखाइए जिस जीमेल आईडी से आपका चैनल बना हुआ है। आपको एक टेम्परेरी जीमेल आईडी बना लेना है किसी से, मतलब कांटेक्ट करने के लिए, मतलब अगर आपको कोई कांटेक्ट करे तो आपको एक टेम्परेरी जीमेल आईडी बना लेना है, जैसा कि मैंने ये वाला टेम्परेरी जीमेल आईडी बनाया हुआ था और इसको कोई हैक करने की कोशिश कर रहा था ये सोचकर कि ये मेरा यूट्यूब चैनल का जीमेल आईडी है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई जीमेल आईडी मतलब क्रिएट करना है तो कोई एक टेम्परेरी जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना है और अपना जो मेन चैनल का जीमेल आईडी है उसको कहीं पर भी शो नहीं करना है। तो मान के चलिए कि आपका जिस जीमेल आईडी से चैनल बना हुआ है उसको आप लोग ये चाहते हो कि वो कभी हैक ना हो, तो आपको एक काम करना होगा। सिंपली आप लोगों को गूगल में इस तरीके से आ जाना है और उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैंने इस जीमेल आईडी को सेलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट्स का एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए कई सारे मतलब सेटिंग मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जिस जीमेल आईडी को आपको सिक्योर करना है, जिस जीमेल आईडी का आपको लगता है कि रिस्क है, वो हैक हो सकता है, तो सिंपली इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है। और यहाँ पे जैसा कि मेन पेज पे ही आप लोगों को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा, यानी कि मेरे इस जीमेल आईडी पे रिस्क बना हुआ है, इसको कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आ जाना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को अपने जीमेल आईडी पे ज़रूर से करना है, ठीक है ना। ये काम आपको सबसे पहले करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन। सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मतलब एक कोई ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ये पेज जो है आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। सिंपली आप लोगों को करना क्या है, अपना यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपना एक कोई मोबाइल नंबर डाल के उस पर OTP मंगा लेना है। पहली बात तो आपका जो जीमेल आईडी है उसका पासवर्ड यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डाल के आपको OTP मंगा के उसको वेरीफाइड करवा लेना है सिंपली। उसके बाद दोस्तों आपको बैक करना है और अपना एक रिकवरी जीमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देना है। और फ़िलहाल के लिए मैंने इसका टू स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल नहीं किया है। और यहाँ पे रिकवरी फ़ोन भी आप लोगों को डाल देना है, जैसा कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे रिकवरी फ़ोन नंबर भी आपको डाल देना है और रिकवरी ईमेल भी आपको डाल देना है, यानी कि रिकवरी ईमेल आईडी डाल देना है, एक और ईमेल आईडी डाल देना है। जैसा कि मान के चलिए कि अगर ये वाला जीमेल आईडी आपका कोई हैक कर लेता है, तो यहाँ पे आप लोग कोई रिकवरी जीमेल आईडी अगर डाले रहोगे तो वो वाला जीमेल आईडी आपका, मान लीजिए ये वाला जीमेल आईडी आपका हैक हो जाता है, तो इसमें जो आप रिकवरी जीमेल आईडी आप ऐड किए रहोगे तो उससे आप लोग अपना ये वाला जीमेल आईडी जो है वापस लाने मतलब ला सकते हो। तो ये काम आप लोगों को कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग अपने मतलब अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों को कभी भी किसी भी अदर लिंक पे क्लिक नहीं करना है जिस पे आपको डाउट होता है। जिस लिंक पे आपको डाउट होता है उस लिंक पे आप लोगों को कभी भी क्लिक नहीं करना है। और पहली बात, जो भी सेटिंग मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है वो सारा कुछ आप लोगों को करके रखना है। और कभी भी आपको कोई भी इस तरीके का मेल आता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये वाला, अगर आप लोगों को मेल आता है इस तरीके का अगर आपको कभी भी मेल आता है, तो आपको यहाँ पे चेक एक्टिविटी पे आपको क्लिक कर लेना है। चेक एक्टिविटी पे क्लिक करके आपको ये देख लेना है कि ये चीज़ मतलब कौन साइन इन इसको कर रहा है, आपकी जीमेल आईडी को कौन लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर पहली बात तो यस और नो का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप ही इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको यस करना है। अदरवाइज़ अगर इसको कोई अदर बंदा कोई इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपकी जीमेल आईडी को कोई
अदर बंदा इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे नो वाले बटन पे ही क्लिक करना है, यस नहीं करना है, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर देना, और इस वीडियो को मतलब जितने भी YouTube क्रिएटर होंगे उन लोगों के पास शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।